फ्रेंड्स, संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इंस्टेंट चमचम बनाने के लिए हम सबसे पहले ब्रेड स्लाइस लेंगे, जिसको मैंने एजेस कट कर ली है, और इस प्रकार से कोई भी लीड है, लीड से हम उसको गोल कट कर लेंगे। इस तरह से हमें गोल कट कर लेनी है। सारी ब्रेड स्लाइस हम ऐसे कट कर लेते हैं। इस तरह से हमारे सारे ब्रेड स्लाइस राउंड शेप में कट हो गए हैं। अब आगे की स्टफिंग की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, अब स्टफिंग बनाने के लिए हम प्लेट में मावा ले लेते हैं, और मावे में हम थोड़ी सी पीसी हुई शुगर मिलाएंगे। ये स्टफिंग है, और ऊपर से हमें चाशनी भी बनानी है, इसलिए उस हिसाब से हम थोड़ी कम ही शक्कर लेते हैं। 2 से 3 चम्मच शक्कर हम इसमें मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पूरा वीडियो देखिए, स्किप करके मत देखिए। कोई भी स्टेप मिस हो जाती है तो फिर प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है, इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए। अब हम इसमें पीसी हुई इलायची का पाउडर मिक्स कर देते हैं, और सबको मिक्स कर लेंगे। और साथ में हमें इसमें मिलाना है ये केसर वाला दूध थोड़ा सा। फ्रेंड्स, अब ये स्टफिंग तैयार हो गया है। इसको हम इस तरह ब्रेड स्लाइस पर रखेंगे, और इसके ऊपर हम दूसरी वाली ब्रेड स्लाइस से इसको कवर कर देंगे। इस तरह से, इसी तरह मैं और भी करती हूँ। यदि आप मावा यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप गाढ़ी मलाई ले सकते हैं, उसमें आप थोड़ी सी पीसी शक्कर इलायची डालकर, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, वो भी आप कर सकते हैं यदि मावा यूज नहीं करना चाहते तो। ये हमने सारी ब्रेड स्लाइस में ये मावे का स्टफिंग कर दिया है। अब हम चाशनी बनाते हैं। अब हम चाशनी बनाने के लिए मैंने 3/4 कप शुगर ली है, और इसमें हम ऑलमोस्ट 1/2 कप पानी डालेंगे, या फिर शुगर अच्छी तरह से पानी में डिप हो जाए इतना पानी हम डालेंगे। और इसको हमें इस तरह हिलाते हुए चाशनी बनानी है। गुलाब जामुन की चाशनी होती है उसी तरह चाशनी, एक तरह की चाशनी हम बनाएंगे। ही हमें निकाल लेना है, तुरंत ही हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह से मैं सारे ब्रेड स्लाइस डिप कर लेती हूँ। ये सारे ब्रेड स्लाइस चाशनी में अच्छी तरह डिप हो गए हैं। अब मैं इनके ऊपर नारियल का बूरा डालती हूँ, और फिर हम इसकी प्लेटिंग करेंगे, और इस पर इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। हमारी क्विक बनने वाले एकदम डिलीशियस चमचम रेडी है।